सावन के इस पवित्र महीने के चौथे सोमवार को भगवान राम की नगरी अयोध्या में आस्था और भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। शिव भक्तों का तांता सुबह 3 बजे से ही नागेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए लगा हुआ है। सरयू नदी के घाटों पर स्नान कर श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए शिवालयों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस पावन अवसर पर अयोध्या के सभी प्रमुख शिवालयों में भगवान शिव के भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। नागेश्वर नाथ मंदिर, जिसे भगवान राम के पुत्र कुश ने स्थापित किया था, वहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस पावन अवसर पर 3 लाख से अधिक शिव भक्तों ने नागेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक किया है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सावन मेला का आज चौथा सोमवार है। सावन महीना भगवान भोले को प्रिय महीना है और प्रिय महीना के साथ साथ जो शिव भक्त हैं वे भी हर्षोल्लास के साथ स्नान करके बाबा नागेश्वर नाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन का मान्यता है कि समुद्र के मंथन में जो विष निकला था विश्व की रक्षा के लिए कोई देवता में सहन शक्ति नहीं थी कि उसको पान करें। भोले बाबा ने विश्व के कल्याण के लिए उसको पान किया और उस विश्व के तप से ताप से व्याकुल हो गए। उनको व्याकुल देखते सभी देवता इंद्र सहित वर्षा करने लगे। आज कम से कम 3-4 लाख श्रद्धालु स्नान करके जलाभिषेक कर चुके हैं और भोले बाबा को शांत कर रहे हैं, वरदान ले रहे हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर में 3-9 लाख से ज्यादा पब्लिक स्नान करके जलाभिषेक कर रही है। अयोध्या के विभिन्न मठों, मंदिरों और घाटों पर हजारों श्रद्धालु सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व विशेष रूप से इस दिन और भी बढ़ जाता है और भक्त इस पुण्य प्राप्ति के लिए अयोध्या की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। प्रसन्नपुर बस्ती से भोलेनाथ को जल चढ़ाने, हाँ सामा चौथा सोमवार, बस परिवार का रक्षा परिवार का रक्षा ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। प्रशासन ने भक्तों की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के साथ सीसीटीवी कैमरों से पूरे मेला क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। बैरिकेड्स के जरिए मंदिर में प्रवेश और निकास की व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने हर संभव प्रयास किए हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। श्रद्धालु प्रशासनिक व्यवस्थाओं से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अयोध्या पहुँचे भक्तों ने व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद दिया है। भक्तों ने कहा कि अयोध्या में आए बदलाव और सुगम व्यवस्थाओं से उनका दर्शन पूजन का अनुभव और भी आनंदमय हो गया है। जल चढ़ाने भगवान का दर्शन करने आए थे नागेश्वर नाथ का, बहुत हम कुछ बोल नहीं सकते, कैसा लगा हमको, मतलब क्या बताया आपको, वो कैसे बताया आपको कि क्या प्रार्थना की हमने, वो तो हम जानते हैं ना, बहुत अच्छी व्यवस्था। यह सावन का चौथा और अंतिम सोमवार अयोध्या की पावन धरा पर भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव के रूप में दर्ज हो गया है। शिव भक्तों ने भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि देश में शांति और समृद्धि बनी रहे और यह सावन का पवित्र महीना सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है शिव भक्तों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और अयोध्या नगरी शिव भक्ति के इस अद्वितीय संगम से भरी हुई है। सावन के इस अंतिम सोमवार पर रामनगरी में आस्था और भक्ति का यह अद्भुत दृश्य भगवान शिव की महिमा और उनकी कृपा का प्रतीक बन गया है। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।